बसमिरा अल्लाम आई होप यू मस्ट बी डूइंग गुड इंशाल्लाह इट्स मी अंजुम योर खेल एट योर ओन चैनल इंग्लिश लाउंज इन टोडेज़ वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट कोलोकेशंस जो कि स्पेसिफिकली हमारे पास सिमेंटिक्स में इनका बार बार जो है वो रोल आता है या फिर हम लिंग्विस्टिक्स में थ्रू आउट जो है वो कोलोकेशंस का जिक्र सुनते रहते हैं सो so, हम बात करेंगे अबाउट कोलोकेशंस इसका ईजी कॉन्सेप्ट uh, मैं आपको दूंगी विद एग्ज़ाम्पल्स सो लेट्स प्रोसीड अवर वीडियो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कोलोकेशन की थ्रू डेफिनेशन ऑफ कोलोकेशन हमें यह पता चलता है कि कोलोकेशन हमारे पास ग्रुप ऑफ टू और मोर वर्ड्स होते हैं जो कि यूजुअली या मोस्टली हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथ ही अकर होते हैं टू गिव अ स्पेसिफिक मीनिंग टू क्रिएट अ स्पेसिफिक मीनिंग यानी अगर वो वर्ड्स टू हूँ या टू से ज़्यादा हूँ अगर वो वर्ड साथ में अगर नहीं करेंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा या वो वर्ड या या वो लैंग्वेज uh, हमारे पास बहुत ही ज़्यादा अननेचुरल या ऑर्ड uh, सी जो वो हमें फ़ील होगी वो जो है वो हमें प्रॉपर मीनिंग नहीं देगी सो so, कोलोकेशन में ये ज़रूरी होता है कि जो पेयर्स होते हैं वर्ड्स जो अगर पेयर्स में हैं या यानी पेयर तो दो का होता है या फिर उससे ज़्यादा अगर वर्ड्स हैं तो उनका साथ में अगर होना ज़रूरी है अगर वो साथ में अगर नहीं होंगे तो इट मीनस कि हमारे पास हमारा जो रिक्वायर्ड मीनिंग है वो हम हासिल नहीं कर सकते कोलोकेशन का अगर हम लफजी मीनिंग देखें यानी इस वर्ड कोलोकेशन को हम देखें तो इससे हमें पता चलता है को को का मीनिंग है टुगेदर यानी एक साथ लोकेशन मतलब जो स्पेशल पोजीशन होती है यानी ऐसे वर्ड्स के जो टुगेदर कर होते हैं विद स्पेशल पोजीशन हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं कोलोकेशन की फ़र्स्ट एग्जांपल है हमारे पास पे अटेंशन अब अटेंशन के साथ पे क्यों आया जहाँ पे हमने किसी की अटेंशन सीख करनी होगी किसी की अटेंशन हासिल करनी होगी तो पे अटेंशन कहेंगे गिव अटेंशन नहीं कहेंगे या पे के जो बाकी सननम्स हैं हम उनको यूज़ नहीं करेंगे अटेंशन के साथ हमेशा इस कॉन्टेक्स्ट में या इस सिचुएशन में जो जो वर्ड कोलोकेट करेगा वो पे होगा कोई और वर्ड नहीं होगा इसी तरह से है बिग डिसीजन अब बिग डिसीजन होगा लार्ज डिसीजन नहीं होगा डिसीजन के साथ जो वर्ड कोलोकेट करता है वो बिग है इसके साथ लार्ज कोलोकेट नहीं करता देन है टू मेक अ मिस्टेक टू मेक अ मिस्टेक यानी जब कोई मिस्टेक करेगा तो वो टू मेक अ मिस्टेक कहेंगे उसको टू डू मिस्टेक नहीं कहेंगे फिर इसी तरह से है पावरफुल इंजन ये पावरफुल इंजन होगा यहाँ पे हम स्ट्रांग इंजन या कोई भी और वर्ड पावरफुल की जगह यूज़ नहीं कर सकते अगर हम कोई वर्ड और यूज़ करेंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा या फिर वो बहुत ही ज़्यादा अननेचुरल सा फ्रेज़ हमारे सामने आ जाएगा सो दिस वॉज ए शॉर्ट कॉन्सेप्ट ऑफ़ कोलोकेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को थम्सअप देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़